कुछ ऐसा तो नहीं है कोई फेल होने के लिए एग्जाम देता है, ऐसा नहीं है। सभी पास होने के लिए एग्जाम ही देते हैं, सभी नौकरी करने के लिए एग्जाम देते हैं। तो ऐसा क्यों होता है कि हम फेल हो जाते हैं कुछ मार्क्स के लिए, और ऐसा क्यों होता है? उनमें ऐसा क्या चीज़ है जो वो पास हो गए? क्या वो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है या बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करते हैं? देखिए, मैं अगर आपको ऑनेस्टली बोलना चाहूँगा, जो लड़के या फिर लड़कियाँ ये वीडियोज़ देख रहे हैं, मैं आपको बताना चाहूँगा, सारे मेरे हिसाब से तो सारे हार्डवर्क करते हैं। मैंने अपनी लाइफ में भी देखा है काफ़ी चीज़ें, जो मैं तैयारी करता था, जो मेरे साथ भी तैयारी करते थे, वो भी काफ़ी हार्डवर्क करते थे। ऐसा नहीं है कि हाँ, टाइमिंग अलग अलग होता था, लाइक कि मैं और रात को 11 से लेके सुबह 4 बजे तक 3 बजे तक पढ़ना प्रेफरेंस बहुत ज़्यादा करता था, क्योंकि वहाँ उस टाइम साइलेंट माहौल रहता था। लेकिन कोई कोई उस टाइम में सोने के लिए सोता था, और जो दिन होता है उसमें कंटिन्यू पढ़ते थे। तो टाइम अलग अलग होता था, लेकिन जो मेहनत होता है वो काफ़ी लगभग टक्कर की होता है, मेहनत तो होता है। तो ऐसा क्या चीज़ रह गया जो आप फेल हो गए, तो उसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। उससे पहले जो भी यहाँ पर मेरे सब्सक्राइबर है जिन्होंने पास किया है, क्लियर किया है, ऑल द बेस्ट भाई, आपकी मेहनत है ये। घर वालों को बताइए कि आप एफ ओस एक्स एंड वाई जो रिटन टेस्ट आपने क्लियर किया है, गर्व के साथ बताइए। और आगे की जो जर्नी है आपकी, 2 वीडियोस मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो आएगा जो लड़कियों के लिए क्या क्या चीज़ें करना है, क्योंकि जो हमने नर्सिंग असिस्टेंट या फिर मेडिकल असिस्टेंट एफ ओस की जब पूरा सीरीज किया था, उसमें काफ़ी बंदे पुशअप्स और सीटअप्स में फेल हुए थे। तो इस रिगार्डिंग हम वीडियो में डालेंगे कि कैसे वहाँ पर करवाया था, क्योंकि उन्होंने थोड़ा सा होल्ड करवाया था। हमने सोचा कि चलो पुशअप 10 लगाना है तो बैंड स्टर्स, लेकिन उन्होंने कुछ दूसरा प्रोसेस में लगाया था। जब बंदो आए मेरे साथ लाइव में, आपने देखा होगा, उन्होंने बताया, तब जाके चीज़ें पता चला। तो इस हिसाब से उसको मद्देनज़र रखते हुए उस चीज़ों को हम डालेंगे वीडियोज़ में, ताकि आपको एक जनरल नॉलेज हो जाए, एक आइडिया हो जाए कि ऐसे होने वाला है टेस्ट। 2 सेपरेट वीडियोज़ आएंगे, एक लड़कियों के लिए आएगा, एक लड़के के लिए आएंगे जो फिजिकल देने वाले हैं। उसके साथ एक कॉन्सेंट फॉर्म लेके जाना, वो कॉन्सेंट फॉर्म के बारे में भी वहाँ पर मैं बिल्कुल जिक्र करूँगा और बताऊँगा आपको कैसे भरना है। बिलो 18 ईयर्स और एबव 18 ईयर्स के लिए अलग अलग होता है, वो बताऊँगा। लेकिन ये वीडियो आज हम बात करेंगे सिर्फ फेल कैंडिडेट के लिए, वो करें आगे करें क्या, ठीक है? तो मैं एक चीज़ बताता हूँ, देखो फेल हो गए कोई बात नहीं, चीज़ों को उसमें पकड़ के रखना सोचना हो गया ठीक है, पास नहीं हुए कोई बात नहीं। मेरा आपको एक स्टोरी बताता हूँ, मेरा ऑन ग्राउंड स्टोरी है। मेरे पास एक यूट्यूब का चैनल था जिसमें 700 सब्सक्राइबर थे, 800 के आसपास थे, 8 लाख सब्सक्राइबर थे, 800K सब्सक्राइबर, जिसका नाम था आदमी सर, जो पुराने हैं उनको पता है। तो वहाँ पर वो चैनल कुछ मैंने प्रॉब्लम्स आया तो अपने दोस्तों को दिखाया, उन्होंने जानबूझ के उस चैनल में ऐसे ऐसे मॉडिफाई किया, ऐसे ऐसे सेटिंग्स करवाए, वो चैनल बाद में बिल्कुल डेड हो गया, ठीक है। तो मैंने, मुझे सबको दुख होता है यार, 8 लाख सब्सक्राइबर गेन करना अपनी हार्डवर्क से कम होता है क्या? लेकिन मैंने क्या वो चीज़ों को 1-2 दिन में पीछे छोड़ दिया। मैंने बोला ठीक है यार, हो गया कोई बात नहीं, कर दिया, सीख लिया इसे। इसके बाद मैंने एक गलती अपना फाइंड किया कि मैंने क्या गलती किया। मैंने ये गलती किया था कि जो चीज़ें मैं खुद कर सकता था यूट्यूब से देख के, किसी को पूछ के और किसी से सीख के कर सकता था, लेकिन वहाँ पर मैंने क्या किया, मैंने दूसरे के भरोसा में अपनी थोड़ी सी आलसीपन दिखाया और दूसरों को दे दिया। मैं बोला ठीक है थोड़ा कर ले इसको, भरोसा जताया दूसरे पर और बिल्कुल मेरा काम तमाम हो गया। लेकिन मैं उस चीज़ों को, गलती को ढूंढा, उस पर फिर काम किया, उस चीज़ों को सारे एंड टू एंड पॉइंट ढूंढा, कहाँ पर क्या सेटिंग होता है, कौन से वीडियोस को एबव 18 करना है, बिलो 18 करना है, बहुत सारे सेटिंग्स होते हैं जो मैंने किया। मेरा साथ दिया एक NBZ इंडियन आर्मी करके यूट्यूब चैनल है, जो तुम्हारी तरह एयर फोर्स के एस्पिरेंट है, पता नहीं कल मैंने उसको कॉल किया था, तेरा रिजल्ट आया कि नहीं, उसने उठाया नहीं शायद, उसकी नहीं हुआ रिटन, बहुत अच्छा बंदा है। तो वहाँ पर भी उन्होंने बहुत, मैंने मतलब काफ़ी हेल्प किया, अच्छा बंदा है, तो वहाँ पर से मैंने हेल्प लिया। लेकिन इस बार किया मैंने खुद, डिफरेंस देखिए, वही चीज़ मैंने सीखा लेकिन किया मैंने खुद, उस टाइम करवाया किसी और से और गया पूरे काम से। तो यहाँ पर सीखने लायक बात यही है कि आपके एग्जाम्स हो गए, जब आप एग्जाम दे रहे थे आपकी आंखों के सामने वो चीज़ें लाई है कि कहाँ कहाँ आप अटक गए थे, इंग्लिश में कहाँ मार्क है, रागा सेक्शन में कहाँ मार्क है, साइंस सब्जेक्ट में कहाँ कहाँ मार्क है, उस चीज़ों को अपनी आंखों के सामने लाइए, अपनी मिस्टेक्स फाइंड आउट करिए, कहाँ कहाँ हुआ, क्या हुआ मेरे साथ एग्जाम में, मैं ऐसे फेल हो गया, मुझे लास्ट में कुछ क्वेश्चन बच गए थे, यानी आपकी टाइम मेजरमेंट बहुत गलत है। तो उस पर काम करने की आपको ज़रूरत है,
ठीक है, आप बहुत पूरे ऑल ओवर इंडिया से ये वीडियोस देख रहे हैं, अब बहुत सारे आपको फेक इंस्ट्रक्टर मिलेंगे जो बोलेंगे आइए आप हमारे एकेडमी में आइए और हम करवा देंगे। देखिए दिस इज ए रॉन्ग प्रोसेस, आई डोंट थिंक सो। आप तैयारी कर सकते हैं, कोई आपका सिलेक्शन नहीं करवा सकता। एवरीबॉडी आर नॉट सेम, सबके अलग अलग प्रॉब्लम्स रहता है, सबके अलग अलग ब्रिलियंसी, सबके अलग अलग इंटेलिजेंसी, सबके अलग रहता है। जो स्पीकिंग पावर मेरा होगा, मेरे से आप लोग का किसी का ज़्यादा होगा, किसी का कम होगा। तो इसके लिए क्या क्या, जो परफेक्ट जो लोग करा सकते हैं वो आप खुद हैं, ठीक है। तो उसको आपने क्या करना, खुद ढूंढना है कि कहाँ रह गया। तो देखिए आप अकेले नहीं है, जो वीडियो में यहाँ पर बात कर रहा है उसने भी काफ़ी बार फेल हुआ है, फिर पास होकर अभी बड़ी अच्छी जगह पे पहुँचा है। तो इस हिसाब से आपने क्या करना, अपनी गलतियों को फाइंड आउट। मैं जब भी फेल होता था, ट्रेन में रोता था, सीरियसली बोल रहा हूँ, जब भी ट्रेन से वापस आते थे भूखा प्यासा आते थे दो तीन दिन रैली में, आपको पता ही है रैली में क्या हालत होता है, कहाँ सोते हैं, आप लोगों को बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो वहाँ पर जैसे ही आते थे फिर रोना शुरू हो जाता था, क्योंकि जाना है, लोग हॉस्टल में रहता था, लोग बोलेंगे यार ऐसे ही बोला टाइम पास करके आ गया, कॉलेज वाले बोलेंगे, ऑनर्स वाले, जहाँ ऑनर्स फिजिक्स ऑनर्स था मेरा, ऑनर्स वाले पता है रहता ही है गया है रैली देने के लिए, भर्ती देने के लिए, तो पता ही है सबको, वो भी बोलेंगे, तो होता है भाई, ठीक है। तो लेकिन मैंने हर एक चीज़ में हर एक मिस्टेक फाइंड आउट किया, कहाँ मेरा मिस्टेक हुआ, कहाँ मुझे कॉन्फिडेंस की कमी था फर्स्ट रैली में, तो मैंने कॉन्फिडेंस के ऊपर काम किया। कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है, हार्डवर्क, ईमानदारी और हार्डवर्क से आता है, मैंने वो दोनों चीज़ें लाया। रिटिन में फेल हुआ तो देखा कि रिटिन में क्या क्या चीज़ें मैं फेल हुआ, मैथ में मार खाया, उस मैथ को फाइंड आउट किया, सिलेबस ढूंढा कौन कौन से सिलेबस से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लाया उठाया, उसको देखा कि हाँ इस टॉपिक से काफ़ी बार क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, मतलब अगले बार टॉपिक से वही होगा रिपीट, ठीक है। उस चीज़ों को मैंने एक रिस्क कैलकुलेटेड रिस्क लिया, लेने के बाद जो जो मेरे गलतियाँ थी उसको सारे को फाइंड आउट करके उस पर काम किया, मैंने मेहनत किया उसके ऊपर, करने के बाद मेरा सिलेक्शन हुआ। सेम टिप्स, सेम जो आप भी टिप्स बोलते हैं, मैं तो टिप्स नाम से बहुत जलता हूँ, मैं बोलता हूँ जो गाइडेंस मैं आपको देना चाहूँगा, जो गाइडेंस सेम है, आप अपनी गलती आंखें बंद करिए, जाइए कहीं आराम से बैठिए, वहाँ पर जहाँ पर कोई नहीं है, अपने दोस्त वोस्त कोई नहीं है, बैठिए वहाँ पर, अकेले को पूछिए, आप खुद इतनी अपनी हेल्प कर सकते हो, नो वन कैन ब्लडी हेल्प यू, ठीक है। जब आप अकेले जितना कर सकते हो आप जाइए बैठिए, पूछिए अपने आप से कहाँ मिस्टेक हुआ है आपकी, आपको पता चल जाएगा। अगर आप सही में ईमानदार है ना अपने सपनों के लिए, अपने माँ बाप के लिए, एक अच्छा लाइफ के लिए अगर ईमानदार हो, करना चाहते हो, तो आपको आंसर मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा वहाँ पर, ठीक है। आपको आंसर वहाँ पर मिलेगा, उस आंसर को फाइंड आउट करिए, आंखें बंद करिए, सोचिए आपने क्या किया। देखिए हम किसी लड़की की मैसेज के लिए, लड़के को मैसेज करने के लिए हम उसकी वेट करते हैं, देखिए करते हैं, सभी करते हैं यार, नो वन ऐसा नहीं बोल सकता मैं बहुत वो वाला पंडित वाला, सभी करते हैं, ठीक है। जो पसंद होता है वो करना भी चाहिए, जो जिसको पसंद है उसके लिए करता है, ठीक है। तो अगर हम उनके लिए पिछले दो तीन साल का, चार साल का, पाँच साल का रिलेशन ही होता है उनके लिए हम इतना कर सकते हैं, तो हम अपने लिए क्यों नहीं कर सकते यार। अपने लिए थोड़ा टाइम हम निकाल सकते हैं, अपने लिए टाइम निकाल के हम जाके बैठ के सोच सकते हैं, एक घंटा, आधा घंटा, डेढ़ घंटा, जब तक जवाब ना मिले सोचिए, सोचिए उस चीज़ों को, फाइंड आउट करिए। आज आइए घर में, आइए बैठिए और पेन पेपर लीजिए, फाइंड आउट करिए कि हाँ ये चीज़ें मैंने सोचा, ये चीज़ें मैं मार खाया था, और इस चीज़ों पे फोकस करूँगा बहुत मैक्सिमम, और जो चीज़ें मुझसे सॉल्व हो गया था उसमें मिनिमम, ठीक है, समझ गए। जो जब आप अपनी गलती ढूंढा, मिस्टेक ढूंढा, उसके सोल्यूशन ढूंढा, उस पर काम किया, इतना जब आप करोगे ना आपके अंदर इतनी आत्मविश्वास आ जाएगा, आप मतलब यू आर जस्ट लाइक ए हीरो, आयरन मैन की तरह बन जाओगे, आयरन वोमैन की तरह बन जाओगे, ठीक है। आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा ना, मतलब आपको लगेगा, बोलते हैं कि एक आर्मी का बंदा 100 के बराबर होता है, वो 100 के बराबर बंदा पावरफुल में नहीं होता, वो माइंड से होता है, ठीक है। एक बंदा कोई इंडियन आर्मी के सोल्जर को खड़ा कर दो सामने, 100 सिविलियंस को खड़ा कर दो, जो उसकी माइंडसेट होता है, जो उसकी एटीट्यूड होता है वर्दी पहनने के बाद, और उसकी जो दिमाग यहाँ पर ट्रेनिंग करने के बाद फर्क पड़ता है ना, उस एटीट्यूड से उसको हराता है ना, कि 100 बंदे को कोई मार सकता है क्या, चाहे वो इंडियन आर्मी के सोल्जर क्यों ना, मार देगा क्या, नॉट पॉसिबल, ये नहीं हो सकता। लेकिन उसके अंदर इतना दम होता है कि 100 को 100 रोक के रख लेगा, क्योंकि जो एटीट्यूड और जो माइंडसेट, पॉजिटिव माइंडसेट उसके अंदर हो जाता है ना, कहाँ से आता है, ट्रेनिंग करने से। और ट्रेनिंग क्या होता है, हार्डवर्क होता है, मेहनत होता है ट्रेनिंग में। तो उस जो मेहनत करके जो कॉन्फिडेंस लाता है, और उस कॉन्फिडेंस को जो पॉजिटिव एटीट्यूड में वो कन्वर्ट करता है, दैट्स कॉल्ड द फैक्ट्री, मतलब जो बोलते हैं ना विनिंग प्लान बोलते हैं ना, एक जो बोलते हो आप लोग अपनी भाषा में टिप्स दे दो, यही टिप्स है,
इसके अलावा कोई टिप्स नहीं है, ठीक है। सी ओ शॉर्ट सिलेक्शन 100%, बहुत सारे मैंने अकेडमीज में भी देखा, वो कुछ नहीं होता है, ठीक है। सिलेक्शन आपके हाथों से ही होगा, आप ही करोगे, कोई नहीं कर सकता, आप सीख सकते हो कहीं से भी, ठीक है। तो ये है, मैं आपके लिए ये एडवाइस देना चाहूँगा। देखें, ये चला गया, इसके बाद आप सिर्फ एयरफोर्स के लिए वेट मत करिए, नेवी एंड आर्मी SSC GD वगैरह भी आते हैं। इसके लिए अगर आप हो सके ट्राई करें। देखिए, मैं आपकी दिल को ठेस नहीं पहुँचाना चाहता हूँ कि मैं बोलो, सबके अलग अलग वर्दी की चॉइसेस होता है, इवन ये बिल्कुल सही बात है, होना भी चाहिए आप में। बाकी अगर देश की हालत को, सिचुएशन को हम समझें, मद्देनज़र रखते हुए समझें चीज़ों को, हाँ ये कर सकते हैं कि आप आर्मी पसंद है, आप एयरफोर्स में चले गए, बाद में कन्वर्ट कर लीजिए सर्विस, ठीक है। बाद में आपके पास एक चांसेस रहेगा, एक कंसिस्टेंट सर्विस रहेगा, तो आप बिल्कुल कर सकते हैं, एक सेंस उस टाइम कर सकते हो, अगर करना चाहे तो। लेकिन आपके पास जॉब नहीं होगा तो आप कहाँ से क्या करोगे। बाकी ये मेरा एडवाइस है, देखिए पर्सनल एडवाइस है, इसमें कोई जोर नहीं है, आपको करना ही करना है। ये आप देख सकते हैं अपने हिसाब से, अगर आपको सही लगता है कि हाँ मैं पहले इसके बाद जो भर्ती आता है उसको क्लियर कर लेता हूँ, उसको भर्ती हो जाता हूँ, बाद में अगर मुझे ऐसा कोई पोस्ट मिला, अच्छा पोस्ट, मैं देख के उसमें शिफ्ट हो जाऊँगा, ये हो सकता है, ठीक है। आप मेरे हिसाब से आप जाइए, अपनी गलती ढूंढिए, सिलेबस उठाइए, प्रिंट आउट करके लगाइए उसको, कौन सी मैक्सिमम टाइम देना है, कहाँ रुके थे आपको, उसको फोकस करिए, जहाँ पर मिनिमम आपके जो सॉल्व हो गए थे उसको अलग से टाइम टेबल देके फिक्स करिए, दोनों को आपने जहाँ आप सो के उठते हो वहाँ पर होना चाहिए। लगाइए बड़े बड़े टारगेट एयरफोर्स करके, टारगेट एयरमैन करके आपके सामने होना चाहिए, जैसे आप उठते हो आपकी नज़र वहीं जाना चाहिए। आपकी दिमाग को सेंटर में रखिए, पॉजिटिवली रहिए, इधर उधर मत घुमाइए, ठीक है। जैसे आप चीज़ों को ढूंढ लिया, उसके ऊपर काम करिए, फोकस करिए, कोचिंग लीजिए, यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल्स आते हैं, उस पर पढ़ाई करिए। करने के बाद आप जब आप खुद को अपग्रेड कर लोगे तो आपका बिल्कुल सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। मेरी तरफ से आपको ऑल द बेस्ट सबको, जो भी बच्चा ये मतलब वीडियोस देख रहे हैं, आई होप जो मैंने बताया आप अमल करोगे। अगर ये आप मान के आप चीज़ों में लाइफ में इंप्लीमेंट करोगे ना, डेफिनेटली विल गेट रिजल्ट, डेफिनेटली, ठीक है। बाकी मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट फॉर अपकमिंग रैलीज, और कीप वॉचिंग एंड सब्सक्राइब कर देना अगर अच्छा लगा तो, और शेयर करना अपने दोस्तों के साथ ताकि उनको भी थोड़ा सा मोटिवेशन टाइप का, मोटिवेशन तो नहीं है, गाइडेंस मिले उनको थोड़ा सा, और वो थोड़ा सा आगे बढ़ सके। तब तक जय हिंद, थैंक यू।